पाई बरसी चमारिया तो आइए एक बार रिजल्ट ले आओ क्या पर ले आओ एक मगर रानी ला जी के जी चेतन रानी ला नारी सोनी पतला रानी ला पाई की टीम में है कृष्ण ढुल विनर है और रोहित बिल्कुल बहुत ही शानदार हमारी ये प्रतियोगिता जिसके बोनस टू राइडर चौधरी ओम प्रकाश जागलान जी जलालपुर कला छाना जीन वो आज इस प्रतियोगिता में पहुंचे 1,01,000 रुपए से हमारी कमेटी का मान सम्मान किया और 11,000 रुपए बेस्ट रेडर और बेस्ट कैचर को इनाम स्वरूप देने का कार्य किया। हम ऐसे महान दानवीर सज्जन का दिल की गहराई से स्वागत बेहतरीन डुबकी और रेडर से 1.2 रेडर रेफरी का फैसला मेरी आवाज सुन 2.2 रेडर आपका मान सम्मान करना चाहती है रेफरी का अच्छा फैसला मंच पर आइए डैश करने का प्रयास लेकिन रेडर से 0.2 रेडर रैडर आउट पॉइंट पाई की टीम शुरुआती समय में अच्छी लीड बनाती हुई हाँ सभी टीमें मौजूद रहे ना किसी का मैच किसी के साथ किसी भी समय हो सकता है आप क्वार्टर फाइनल में रैडर सेल्फ आउट पहुंच गई हमारी प्रतियोगिता पॉइंट टू रैडर रैडर आउट सुपर टैकल ऑन पाई पाई की तरफ से आखिरी रेडर रेड पे है कृष्ण ढुल चमारिया की टीम ने इस मैच में अच्छी वापसी की है और ऑल आउट देने के बाद एक अच्छी लीड में आ चाहिए 5,100 रुपए का योगदान दिया है
मैडम सरला जी का हम दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत करते हैं और भगवान परमात्मा ये गांव राम उनको अगली बार सरपंच बनाएगा हमारा, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना। ऑल आउट हुई पाई की टीम। Red out. Raiders save 2 points. और हमारे बीच में जिला खेल अधिकारी मैडम शर्मिला राठी जी वो कुछ ही देर में हमारे मध्य पहुंचने वाली है। स्वागत कमेटी से मेरा निवेदन है कि वो मुख्य द्वार पर पहुंचकर हमारी माताएं बहनें जितनी आ रही हैं आपके द्वारा स्वागत करवाया जाएगा। मैडम सभी आ जाओ जी आप। मैडम शर्मिला राठी जी जो जिला खेल अधिकारी है और जिनके द्वारा यहाँ पर ये जो खेल सुविधा ये मैट और दूसरी जो खेल लगे इक्विपमेंट है ये उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। मैडम शर्मिला राठी जी जिला खेल अधिकारी जिला सोनीपत वो कुछ ही समय में हमारे मध्य पहुंचने वाली है। मैडम शर्मिला जी का यहाँ पहुंचने पर हम दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। Rider out. इसके बाद चेतन रानीला चरखी दादरी वर्सेस नारी सोनीपत ये नहीं होगा जी बताओ। नौथा अकेडमी और चौधरी ज्ञानी राम अकेडमी जोड़ा ये मैच होगा और एमडी रोहतक जंप करने का प्रयास लेकिन बढ़िया डबल थाई होल्ड पॉइंट टू चमारिया और जो मैदान नंबर एक पर जो मैच चला हुआ इसका विजेता रेड मुड़लाना के साथ होगा केवल नोट और करवा दो। और पाई का और जो ये दूसरा मैच चल रहा है इनका मैच नरवाल अकेडमी के साथ में होगा। समरिया और पाई का जो मैच चल रहा है ये नरवाल अकेडमी के साथ मैच होगा। बोनस का प्रयास राइडर के द्वारा एक बेहतरीन बोनस लेकिन बोनस नहीं दिया गया। मैदान नंबर एक में मैदान नंबर एक की तरफ ले जाइए एक की टीमों को लाइन करा ले अजय का थोड़ा लाइन करा लो दोनों टीमों और हमारे बीच में राइडर्स
सेट पॉइंट टू रेटर और 14-10 इन फेवर ऑफ चमारिया। पाई की टीम 4 पॉइंटों से पिछड़ती हुई। मैदान खाली है जी, अब मैच दर मैच होंगे, अब किसी को इंतजार थोड़ी होगा। इसके बाद सेमीफाइनल में कह दिया, ये क्या बोल दिया, अब तो क्वार्टर फाइनल मैच है आपका। ये नौथा अकेडमी वर्सेस चौधरी गांधीराम अकेडमी लिजवाना, मैदान नंबर 2 जो खाली है वहाँ मैच होगा, और मैदान नंबर 1 पर जो मैच चला हुआ है दो और ढाई रेड चमारी की तरफ से बोनस हो, रोहतक वर्सेस रानीला के बीच में मैच होगा। ये दूसरा क्वार्टर होगा, तीसरा क्वार्टर फाइनल बुधवाना वर्सेस कासंडी, चौथा क्वार्टर फाइनल नरवाल अकेडमी वर्सेस पाई और चमारिया का विजेता। इस प्रकार मैच होंगे जी। नौथा की टीम को कमिटी टाइम दे रही है, राइडर आउट, बेहतरीन बैच किया मनीष दहिया ने। नौथा वर्सेस चौधरी गांधीराम, नौथा वर्सेस चौधरी गांधीराम अकेडमी लिजवाना, दोनों टीमों के लिए अंतिम पुकार है। मैदान नंबर 2 खाली है और मैदान नंबर 1 पर अगला मुकाबला, ये जो मैच समाप्ति पर है, एमडी रोहतक वर्सेज चेतन राडीला, ये टीमें भी मैदान पर आ गई। चेतन राडीला वर्सेज महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक। नौथा का खिलाड़ी, एक खिलाड़ी आए जल्दी मंच पर, अरे नौथा टीम का कोई भी एक खिलाड़ी आए जल्दी। स्कोर 16-11। किसी की कोई सुनवाई, कोई रेस्ट का समय नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 2 दिवसीय प्रतियोगिता इसीलिए कराई गई थी कि आपको टाइम मिल जाए। सेमीफाइनल और फाइनल केवल मैदान नंबर 1 पर होंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। मैदान नंबर 2 पर नौथा वर्सेस चौधरी गांधीराम अकेडमी लिजवाना, मैदान नंबर 1 पर एमडीओ रोहतक वर्सेस चेतन रानीला, उसके बाद मैदान नंबर 2 पर मैच होगा मुरलाना वर्सेस कासंडी, और मैदान नंबर 1 पर नरवाल कबड्डी अकेडमी वर्सेस चमारिया और पाई स्कूल का विजेता। बहुत ही शानदार हमारी प्रतियोगिता मंच पर आसीन है आज की हमारी अतिथि जिला खेल अधिकारी मैडम शर्मिला राठी जी, उनको मैं बताना चाहूंगा कि 2 दिवसीय हमारी इस खेल प्रतियोगिता में एवरग्रीन सोसाइटी ने विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं करवाई, जिसमें रेसलिंग भी शामिल है, एथलेटिक्स भी शामिल है, और कबड्डी, जिसका प्रथम पुरस्कार 1,00,000 रुपए है, दूसरा पुरस्कार 51,000 रुपए बेस्ट रेडर और डिफेंडर को, और साथ में 11,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। इस प्रकार से मैं मैडम शर्मिला राठी जी को बताना चाहूंगा, लाखों रुपए की धनराशि खिलाड़ियों को इनाम स्वरूप आज गांव मुरलाना की इस पावन धरा पर इनाम स्वरूप दिए जाएंगे। आज आप अतिथि के रूप में हमारे गांव की इस पावन धरा पर पहुंचे, और हमारे गांव के जो एवरग्रीन वेलफेयर सोसाइटी है, मैडम शर्मिला राठी जी की जो भी जिम्मेदारी लगाती है, चाहे मैट की हो, चाहे हमारे जो प्रशिक्षक है ऑफिशियल हम की व्यवस्था की बात हो, मैडम जी बखूबी उसका निर्वाह करती है। हम आपका दिल की गहराई से मैडम शर्मिला राठी जी आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं। भैया मंच के आगे लोग खड़े हैं ना, ये तो यही बैठ जाए या एक साइड में हो जाए,
क्योंकि मंच पर हमारे मेहमान हैं जिनको मैच देखने में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। आप कृपया करके या तो अपने स्थान पर बैठ जाइए या आप कोई दूसरा स्थान ग्रहण कर लीजिए। उनसे चलते हैं कबड्डी ऑल आउट किसने कहा यार लाइक तो फिर छुट्टी लेनी चाहिए ना। लाइव हमारे चैनल नुकसान है ना उसका तो नुए है उसका उसका तो नुए है वो काम का है। नौलखा की टीम ग्राउंड की तरफ उठ रही है। चौधरी ज्ञानी राम अकेडमी लजवाड़ा की टीम से मेरा निवेदन कि आप मैदान पर आइए। इस प्रतियोगिता का ये पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला, एक तरफ नौलखा जिला पानीपत की टीम है, दूसरी तरफ चौधरी ज्ञानी राम कबड्डी अकेडमी लजवाड़ा जिला जींद की टीम है। दौड़ के आए खिलाड़ी हाँ स्कोर बताओ ठीक करे ऊपर वन जी आप मैदान नंबर एक पर अगला मुकाबला महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक वर्सेज रानीला जिला चरखीदादरी। उसके बाद मैदान नंबर दो का अगला मैच मुरनाड़ा वर्सेज कासंडी और मैदान नंबर एक पर नरवास स्पोर्ट्स एकेडमी ताई और चमारिया का जो विजेता होगा उसका स्कोर बराबर 20-20। हाँ स्कोर बराबर 20-20 और आखिरी 5 मिनट का खेल बाकी समय 5 मिनट बाकी आखिरी 5 मिनट अजय नरवाल डीपी की उंगलियों से साफ इशारा और दोनों टीमों का स्कोर बराबर है। पाएगी टीम है कर दिया था। क्या है डिसीजन रेड राउट। अब एक पॉइंट की बढ़त पाई के पक्ष में गई। अब एक की लीड पाई की टीम की हो चुकी है। यदि मैं गलती बनाऊं फाइनल स्कोर स्कोर का मान्य होगा। चौधरी ज्ञानी राम कबड्डी अकेडमी लजवाड़ा की टीम है क्या नहीं है नहीं है ना जी। अब 2 पॉइंट की लीड हुई है पाई के पक्ष में। देखो सारी आड़ा खड़ी भाग रही पहली हाँ समस्त गांव वासियों से 36 बिरादरी से हम अपील करते हैं अनुरोध करते हैं अब लगातार पॉइंट स्कोर करते हुए आखिरी लम्हों में इस बार वेस्ट शेड्यूल होने की वजह से हमारी रेल 3 पॉइंटों की लीड है पाई की टीम के पास नहीं कर पाई। जो भी साथी चंदा देने के इच्छुक हैं जिनकी जितनी भी श्रद्धा है वो एवरग्रीन वेलफेयर सोसाइटी की रसीद प्राप्त कर सकते हैं और दिल खोल करके आप चंदा दे सकते हैं। मैं दोबारा से अपील करता हूँ गाँव के सभी मौजूद व्यक्तियों से 36 बिरादरी के लोगों से जो भी हमारी वेलफेयर सोसाइटी में दान देने का हाँ कुछ पहलवान जी मैदान के बीच में मजा आगरा ग्राउंड के बीच में मजा आप बाहर से बताओ टाइम आउट में भी अंदर नहीं जाना होता किसी को भी। ये सभी नियमों की यहाँ पर पालना की जा रही है और बहुत कटे का मैच है। चमारिया की टीम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। पाई की टीम को मैच से पहले बहुत मजबूत माना जा रहा था लेकिन एक अच्छे खेल का प्रदर्शन किया और जो टीम इस मैच में जीतेगी उसका मुकाबला चौथे क्वार्टर फाइनल के रूप में नरवाल स्पोर्ट्स एकेडमी रिंडाणा की टीम के साथ होगा। ये भी नोट कर लें। और
मैदान नंबर दो पर नरथा अकेडमी वर्षित चौधरी ज्ञानी राम अकेडमी लजवाड़ा के बीच में इस प्रतियोगिता का प्रथम क्वार्टर फाइनल प्रगति पर है। जो टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल का टिकट प्राप्त करेगी। हेलो कमेटी से बोलो दो लाइनमैन, लाइनमैन की व्यवस्था कराओ जी। रेडर आउट बेहतरीन डैश मनीष दहिया का। रणजीत प्रधान पन्ना भलानिया 1100 रुपए से हमारी खेल कमेटी का मान सम्मान कर दो और डाई रेड है और सुपर टैकल और बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुपर रेड लगा दिया है, 5 पॉइंट मिले रेडर को। अब एक तरफा बढ़त, यह मैच पाई ने जीत लिया है सुपर रेड के साथ।